लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री को, क्या मांगे थी और क्या क्या लिखा है? पंद्रह सूत्री मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है। हमने कहा कि जितने भी हमारे जनपद में 36 सेंटर हैं करीब, जहाँ पे लोग बंद हैं जो महानगरों से आए हुए हैं, वहाँ पे पर्याप्त जो है फॉगिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कराई जाए और प्रॉपर उनका पर डे चेकअप कराया जाए जो लोग बंद हैं, और उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और जो लोग स्वस्थ हैं, हमने मांग की थी जो लोग स्वस्थ हैं तो उनकी जांच करा के उनके घर भेज दिया जाए, क्योंकि कोई बीमार हो रहा है, कोई परेशानी हो रही, तो ये एक डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये थी कि चंदवारी में जैसे 300 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ 30-30, 40-40 लोग एक एक कमरे में बंद हैं, तो हम लोग जो है जो दूरी बना के रखने के लिए कहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए, तो पता चला कि एक कमरे में 40-30 लोग रहें तो कैसे रहेगा। तो ये सब चीज़ें मांग की। इसके अलावा हमने बांदा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में मांग की है, यहाँ पर जो है प्रॉपर डॉक्टरों के लिए उनके पीपी किट होने चाहिए और टेस्टिंग की यहाँ लैब होनी चाहिए और प्रॉपर यहाँ पर जो मास्क और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था और जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं डॉक्टरों के, उनके पर्याप्त होने चाहिए, यहाँ नहीं मेडिकल कॉलेज में। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री मांग की, और डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है वो भी पूरी की जाए। इसके अलावा क्योंकि अब गर्मी आ रही है, पानी की समस्या है, तो हमने कहा कि भाई पानी की समस्या के लिए जो है मोहल्लों में जाकर के जो नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ पानी की सप्लाई किया जाए। इसके अलावा इस समय किसानी का काम चल रहा है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को सलाह दी है, उनसे डिमांड की है कि मनरेगा से जो है मजदूरी किसानों के यहाँ कराई जाए, किसान की खेती कटवाई जाए या किसान के मड़बंदी कराई जाए, तो 50% मनरेगा से धनराशि दी जाए और 50% जो है किसान दे, तो उनको घाटा भी नहीं होगा और पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी, और 50% किसान देगा, 50% मनरेगा दे, तो किसान का भी काम हो जाएगा और उनको भी काम मिलेगा। इसी तरह की जैसे पशु आश्रय केंद्र बने हैं, गौशालाएँ बनी हैं, वहाँ तमाम जानवर मर रहे हैं, अभी कई खबरें सिकाहुला से लगा करके आपके कई खबरें छप रही कि जानवर वहाँ पड़े हुए हैं, अभी कई प्रधानों ने मांग किया कि प्रधान की जानवर पड़े हैं, कोई खाने वाला नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर जो है उन्हें चारे भूसे की व्यवस्था की जाए। इस तरह से हमने 15 सूत्री मांगे जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री मांग की है, और यहाँ जिला प्रशासन से भी कहा है कि चूँकि बांदा में ये लंबा चलेगा मामला, तो जितने भी लोग बंद हैं उनको प्रॉपर सारी व्यवस्था कराई जाए, और नहीं तो पता चलेगा कि जहाँ बीमार ना होंगे तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, एक जगह ज़्यादा लोग रखे जाएंगे, और हम लोग अपने प्रशासन के अलावा हम लोग भी अपनी तरफ से और संस्थाओं की तरफ से जो है क्लब से और संस्थान ट्रस्ट की तरफ से भी हम लोग करवा रहे हैं ये व्यवस्था। सब खाने पीने के लंच पैकेट लगातार हम लोगों 7 दिन लंच पैकेट बंटवाए, अब सूखा आटा और आटा आलू और नमक तेल वगैरह सारी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, और महिलाओं के लिए साबुन तेल मंजन वगैरह।